है उपकार किसी का तुम पर, उसे भले ही तुम ना चुकाओ, किंतु भूल कर नहीं कभी भी उपकारी को दुख पहुंचाओ। तुराकंतूस इज लाइफ। शीर्षक अकृतज्ञ सुनार। एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था। ब्राह्मण के घर में उसकी स्त्री, उसके बाल बच्चे सब थे, पर ब्राह्मण बड़ा गरीब था। वह बड़ी कठिनाई से अपने और अपने बाल बच्चों के लिए भरपेट खाना जुटा पाता था। उसे और उसके बाल बच्चों को आए दिन भूखा ही सो जाना पड़ता था। ब्राह्मण ने बड़ा प्रयत्न किया कि उसे कोई अच्छा काम मिल जाए तो वह उसे करके अपना जीवन निर्वाह कर सके, पर बहुत प्रयत्न करने पर भी ब्राह्मण को कोई काम न मिला। आखिर ब्राह्मण रोज रोज भूखा रहने से किया। उसने सोचा वह क्यों ना गांव छोड़कर विदेश चला जाए, हो सकता है विदेश में उसको काम मिल जाए। एक दिन सवेरे कुछ अंधेरा शेष था, ब्राह्मण चुपचाप उठा और बिना अपने बाल बच्चों को बताए हुए विदेश के लिए घर से निकल पड़ा। पर वह जाए तो जाए कहाँ, उसने ना तो कुछ सोचा था ना कुछ उसको पता था। वह घर से निकल कर बिना कुछ सोचे विचारे सीधे एक ओर को चल पड़ा। ब्राह्मण चलते चलते एक वन में जा पहुँचा। वह बहुत थक गया था, भूख और प्यास से उसका दम निकला जा रहा था। प्यास तो उसे इतनी जोर से लग रही थी कि बिना पानी पिए हुए उसे अब एक कदम नहीं बढ़ाया जा रहा था। ब्राह्मण इधर उधर पानी की खोज करने लगा। उसकी दृष्टि एक कुएं पर पड़ी। वह कुएं पर जा पहुंचा। उसने कुएं में झांक कर देखा तो उसे एक अनोखा दृश्य दिखाई पड़ा। उस दृश्य को देखकर उसे भूख प्यास सब कुछ भूल गई। कुएं के भीतर चार प्राणी गिरे हुए थे, बाघ, बंदर, सांप और एक मनुष्य। चारों बहुत दुखी थे, कुएं के भीतर सिकुड़ कर बैठे हुए थे। ब्राह्मण को कुएं के ऊपर से झांकता देखकर बाघ बोल उठा, भाई तुम्हारी बड़ी दया होगी, तुम मुझे कुएं के भीतर से निकाल ले, मेरे घर पर मेरे बाल बच्चे मेरी राह देखते होंगे। ब्राह्मण ने उत्तर दिया, ना भाई ना, तुम्हें बाहर निकाल कर मैं अपने लिए विपत्ति मोल लूंगा, तुम्हारा क्या भरोसा, तुम बाहर निकल कर मुझी को मार कर खा जाओ। बाघ ने उत्तर दिया, अरे भाई तू ये क्या कह रहा है, मैं बाघ हूँ, अपने उपकारी को मार कर खा जाऊंगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता, मेरी हालत पर तरस खा, दया करके मुझे बाहर निकाल ले। ब्राह्मण को बाघ पर दया आ गई। उसने सोचा बाघ विपत्ति में फंसा है, क्यों ना उसकी भलाई करूं? दूसरों की भलाई करना बहुत अच्छा काम होता है। ब्राह्मण ने बाघ को कुएं से बाहर खींच लिया। कुएं से बाहर निकलने पर बाघ ने ब्राह्मण को बहुत धन्यवाद दिया। उसने कहा, देखो वह सामने पहाड़ दिखाई दे रहा है ना, उसमें एक गुफा है, मैं अपने बाल बच्चों के साथ उसी गुफा में रहता हूँ, यदि तुम कभी मेरी गुफा में आकर दर्शन दो तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी, हो सकता है मैं तुम्हारे कुछ काम आ सकूं। बाघ ब्राह्मण के प्रति कृतज्ञता प्रकट करके चला गया। ब्राह्मण चलने को हुआ पर उसी समय बंदर बोल उठा। उसने कहा, भाई मुझ पर भी दया करो, मुझे भी कुएं से बाहर निकाल लो। ब्राह्मण ने बंदर को भी बाहर खींच लिया। बंदर ने बाहर निकल कर कहा, मैं उस सामने के पहाड़ पर रहता हूँ, यदि तुम्हें भूख लगे तो मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हें मीठे मीठे फल खिलाकर तृप्त कर सकूंगा। बंदर भी ब्राह्मण के प्रति कृतज्ञता प्रकट करके चला गया। ब्राह्मण फिर चलने को हुआ पर उसी समय सांप गिरगिरा कर बोल उठा, भाई मुझ पर भी दया करो, मुझे भी कुएं से बाहर निकाल लो। ब्राह्मण ने उत्तर दिया, तुम्हें बाहर निकालूं? ना भाई ना, कौन जाने बाहर निकलने पर तुम मुझे डस ले। सांप ने कहा, क्या कह रहे हो, मैं अपने उपकारी को डसूंगा? नहीं भाई नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा, तुम दया करके मुझे भी बाहर निकाल लो। ब्राह्मण ने सांप को भी बाहर निकाल दिया। सांप ने ब्राह्मण का बहुत बहुत धन्यवाद किया और कहा, यदि तुम कभी किसी विपत्ति में फंसो तो मुझे याद करना, तुम जहाँ भी होगे मैं अवश्य तुम्हारे पास आ पहुँचूंगा, तुम्हें विपत्ति से छुड़ाऊंगा। सांप ब्राह्मण के प्रति कृतज्ञता प्रकट करके चलता बना। ब्राह्मण फिर चलने को हुआ पर उसी समय कुएं के भीतर से आदमी बोल उठा, अरे भाई मुझ पर भी दया करो, मैं तुम्हारी जाति भाई हूँ, आदमी हूँ, मुझे भी कुएं से बाहर निकाल लो। सांप अभी कुएं के पास ही था, आदमी की आवाज उसके कानों में भी पड़ी। वह ब्राह्मण की ओर देख कर बोल उठा, नहीं नहीं, तुम उस आदमी को बाहर ना निकालना, यदि उसे बाहर निकालोगे तो फिर विपत्ति में फंस जाओगे। ब्राह्मण सोचने लगा, वह करे तो क्या करे, वह उस आदमी को बाहर निकाले या ना निकाले, क्योंकि सांप ने जाते जाते उसके मन में आदमी के प्रति संदेह पैदा कर दिया था। ब्राह्मण अभी सोच ही रहा था कि आदमी बड़ी जोर जोर से चीख चीख कर रोने लगा। उसने रोते रोते कहा, भाई तुमने तो सबको बाहर निकाल दिया, फिर मुझे क्यों नहीं निकाल रहे हो, दया करके मुझे भी बाहर खींच लो, जीवन भर तुम्हारा उपकार ना भूलूंगा। आखिर ब्राह्मण को आदमी पर भी दया आ गई। उसने
उसे भी कुएं से बाहर निकाल दिया। आदमी ने कुएं से बाहर निकलकर ब्राह्मण को बहुत बहुत धन्यवाद दिया। उसने कहा, मैं पास ही के शहर में रहता हूँ, सुनार का काम करता हूँ, यदि कभी मेरी सहायता की आवश्यकता पड़े तो अवश्य मेरे घर आना। सुनार ब्राह्मण के प्रति कृतज्ञता प्रकट करके अपने घर चला गया। ब्राह्मण भी वहाँ से आगे बढ़ गया, शहर शहर नगर नगर घूमकर अपने लिए काम खोजने लगा। वह काम की खोज में महीनों चक्कर काटता रहा, पर उसे काम नहीं मिला। वह निराश हो उठा। ब्राह्मण अपने जीवन से ऊब गया। वह दुख से घबराकर आत्महत्या करने के लिए तैयार हो उठा। ब्राह्मण नदी के पानी में कूदकर जान देने के लिए नदी के किनारे पहुंचा। वह नदी के पानी में कूदना ही चाहता था कि उसे बाघ, बंदर, सांप और आदमी का स्मरण हो गया। उसने सोचा, मरने से पहले क्यों न उन चारों के पास जाकर देख लिया जाए, हो सकता है वे कुछ सहायता कर दे। ब्राह्मण मर जाने का विचार छोड़कर चल पड़ा। ब्राह्मण सबसे पहले बंदर के पास गया। बंदर ब्राह्मण को देखते ही प्रसन्न हो उठा। उसने उसका बड़ा आदर सत्कार किया। उसे अंगूर, अनार, संतरे आदि मीठे मीठे फल खिलाए। ब्राह्मण फलों को खाकर तृप्त हो उठा। बंदर ने ब्राह्मण से कहा, तुम मेरे घर को अपना ही घर समझो, जब भी भूख लगे यहाँ आ जाया करो। ब्राह्मण बंदर की सेवा सत्कार से संतुष्ट हो उठा। उसने बंदर के प्रति आभार जताते हुए कहा, मैं अब बाघ के घर जाना चाहता हूँ, जब यहाँ आया हूँ तो उससे भी मिल लूँ। बंदर ने ब्राह्मण को बाघ के घर का मार्ग दिखा दिया। ब्राह्मण बाघ के घर उपस्थित हुआ। बाघ ब्राह्मण को देखते ही प्रसन्न उठा। उसने उसका बड़ा सेवा सत्कार किया। ब्राह्मण जब चलने को उद्यत हुआ तो बाघ ने उसे सोने का एक मूल्यवान हार प्रदान किया। वह हार उसे राजकुमार से प्राप्त हुआ था। ब्राह्मण उस हार को पाकर गदगद हो उठा। उसने सोचा, चलो इससे कुछ सहायता तो मिलेगी। वह बाघ को धन्यवाद देकर चल पड़ा। रास्ते में ब्राह्मण ने उस हार को देखकर सोचा, इस हार को बेचने से बहुत अधिक पैसा मिल सकता है, उस पैसे से मेरा और मेरे बाल बच्चों का जीवन निर्वाह बड़ी सुख से हो सकता है, पर इस हार को बेचा जाए तो कहाँ बेचा जाए। ब्राह्मण को सुनार की याद आई। उसने सोचा, क्यों ना उस हार को बेचने के संबंध में सुनार से सुला ली जाए। ब्राह्मण सुनार के घर की ओर चल पड़ा। ब्राह्मण जब सुनार के घर पहुंचा तो वह उसे देखकर बड़ा हर्षित हुआ। उसने उसका सेवा सत्कार करके पूछा, कहो भाई कैसे कृपा की। ब्राह्मण ने उत्तर दिया, मेरे पास सोने का एक हार है, मैं उसे बेचना चाहता हूँ, तुम उसे बिकवा दो। ब्राह्मण ने हार निकालकर सुनार को दिखाया। सुनार हार को हाथ में लेकर उसे बड़े ध्यान से देखने लगा। उसने हार को देखकर कहा, मैं अवश्य बिकवा दूंगा, पर एक दूसरे सुनार को भी दिखाना होगा, तुम यहाँ बैठकर आराम करो, मैं अभी दिखाकर आ रहा हूँ। सुनार ने अपनी स्त्री को बुलाकर कहा, देखो यह मेरा घनिष्ठ मित्र है, तुम इनके लिए भोजन तैयार करो, मैं अभी आ रहा हूँ। सुनार ब्राह्मण को अपने घर बिठाकर हार लेकर चल पड़ा। पर क्या सचमुच हार को दूसरे सुनार को दिखाने जा रहा था? नहीं, वह उस हार को लेकर राजा के पास जा रहा था, क्योंकि वह हार स्वयं उसी ने राजा के लड़के के लिए तैयार किया था। सुनार हार लेकर राजा के पास जा पहुंचा। उसने राजा से कहा, महाराज देखिए इस हार को, यह वही हार है जिसे मैंने राजकुमार के लिए तैयार किया था, एक आदमी उसे बेचने के लिए आया है, मैं उसे अपने घर पर बिठाकर आपको खबर देने आया हूँ। राजा उस हार को देखकर क्रोधित हो उठा। उसने कहा, कौन है वह दुष्ट, उसने मेरे राजकुमार की हत्या करके उसके गले से हार निकाल लिया है। राजा ने शीघ्र ही सिपाहियों को बुलाकर आदेश दिया, इस सुनार के साथ जाओ, उसके घर पर जो आदमी बैठा हुआ है उसे गिरफ्तार कर जेल में डाल दो, मैं उसे फांसी की सजा दूंगा, उसने मेरे राजकुमार की हत्या की है। सिपाही दौड़े, उन्होंने सुनार के घर जाकर ब्राह्मण को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। यह सब काम केवल एक दो घंटे में ही हो गया। ब्राह्मण आश्चर्य में डूब गया। वह कुछ समझ न सका कि क्यों उसे गिरफ्तार किया गया, क्यों उसे जेल में डाला गया। ब्राह्मण अब जेल में पहुंचा तो उसने एक संतरी से पूछा, भाई क्या तुम बता सकते हो कि मुझे किस अपराध में जेल में पकड़ के लाया गया है। संतरी ने उत्तर दिया, तुम डाकू हो, तुमने वन में राजकुमार की हत्या करके उनके गले का हार उतार लिया था, अब तो तुम्हें फांसी की सजा मिलेगी। ब्राह्मण व्याकुल हो उठा। वह सोचने लगा, वह अब करे तो क्या करे, अब तो उसे अवश्य राजा फांसी पर चढ़ा देगा, अब कौन है जो उसे इस झूठे अपराध से छुटकारा दिला सकता है। ब्राह्मण को सोचते सोचते सांप की याद आई। सांप ने उससे कहा था कि जब कभी विपत्ति में हो तो मुझे पुकारना। ब्राह्मण ने शीघ्र ही सांप को पुकारा। ब्राह्मण का पुकारना था नहीं कि सांप उसके सामने उपस्थित हो गया। वह बोल उठा, कहो बंधु तुमने किस लिए मुझे पुकारा। ब्राह्मण ने अपनी दुख भरी कहानी सांप को सुना दी। उसने सांप को बताया कि किस प्रकार बाघ ने उसे हार दिया, किस प्रकार वह हार बेचने के उद्देश्य से सुनार के पास गया और किस प्रकार राजा के सिपाहियों ने उसे गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। ब्राह्मण ने आंखों में आंसू लाकर सांप से कहा, अब तो तुम ही इस विपत्ति से मुझे छुड़ा सकते हो, नहीं तो राजा अवश्य मुझे फांसी पर चढ़ा देगा। सांप ब्राह्मण को डांटस देकर
सोचने लगा। सांप ने सोचते सोचते कहा, तुम चिंता न करो, तुम्हारे छुटकारे के लिए मुझे एक उपाय सुझा है। इस उपाय के अनुसार काम करने से तुम अवश्य छूट जाओगे। ब्राह्मण बोल उठा, कौन सा उपाय? उस उपाय के अनुसार मुझे क्या करना होगा? सांप ने कहा, आज रात मैं रानी के कमरे में घुसकर उसे काट लूंगा। विष के प्रभाव से रानी मूर्छित हो जाएगी। राजा उसकी मूर्छा दूर करने के लिए बड़े बड़े उपाय करेगा, पर उसकी मूर्छा दूर ना होगी। उसकी मूर्छा दूर तभी होगी जब तुम रानी के पास जाकर उसके मस्तक पे हाथ रखोगे। सांप के उपाय को सुनकर ब्राह्मण प्रसन्न हो उठा। उसी दिन जब रात हुई तो सांप रानी के कमरे में घुसा, रानी को काट कर से बाहर निकल गया। रानी विष के प्रभाव से मूर्छित हो गई। कुछ ही देर में ये खबर चारों ओर फैल गई। सारे राज्य में दुख छा गया। जनता रानी के कल्याण के लिए भगवान से प्रार्थना करने लगी। राजा के तो दुख की सीमा नहीं थी। वह रानी को होश में लाने के लिए बड़े बड़े उपाय करने लगा। उसने बड़े बड़े वैद्यों, हकीमों और झांक फूंक करने वाले लोगों को बुला लिया। सबने अपनी अपनी बुद्धि लगाई, पर रानी को होश ना आया। आखिर राजा ने चारों ओर डुग्गी पिटवाई कि जो मनुष्य रानी को होश में ला देगा उसे राजा की ओर से बहुत बड़ा पुरस्कार मिलेगा। राजा की डुग्गी को सुनकर बड़े बड़े तांत्रिक, चिकित्सक राजा के पास आए, पर उनमें से कोई भी रानी की बेहोशी को दूर ना कर सका। राजा की डुग्गी जेल में बंद ब्राह्मण के कानों में भी पड़ी। उसने पहरेदारों से कहा, यदि तुम मुझे रानी के पास ले चलो तो मैं उसकी बेहोशी दूर कर सकता हूँ। पहरेदारों ने राजा के पास खबर भेजी। राजा ने शीघ्र ही ब्राह्मण को लाने की आज्ञा दी। ब्राह्मण राजा के पास लाया गया। राजा उसे लेकर रानी के कमरे में गया। रानी कमरे में पलंग पर मूर्छित पड़ी थी। उसका शरीर नीला पड़ गया था। ब्राह्मण कुछ देर तक रानी के पलंग के पास खड़ा होकर उसकी ओर देखता रहा और फिर रानी के मस्तक पर अपना हाथ रख दिया। रानी के मस्तक पर ब्राह्मण का हाथ रखना था नहीं कि वह होश में आ गई। कुछ ही देर में रानी के शरीर का नीलापन दूर हो गया। उसका मुख फिर पहले की भांति दमकने लगा। वह उठकर बैठ गई। रानी के स्वस्थ होने की खबर क्षण मात्र में सारे शहर में फैल गई। लोग नाचने लगे, खुशियां प्रकट करने लगे। राजा के हर्ष का तो कहना ही क्या था। वह रह रहकर ब्राह्मण के प्रति आभार प्रकट करने लगा। राजा ने ब्राह्मण से पूछा, तुम कौन हो? तुम्हें क्यों जेल में बंद किया है? ब्राह्मण ने उत्तर दिया, महाराज मैं किस अपराध में जेल में बंद किया गया हूँ ये तो मैं स्वयं नहीं जानता। सिपाहियों का कहना है कि मैंने राजकुमार की हत्या करके उनके गले का हार चुराया है, पर महाराज मैंने तो यह बुरा कार्य किया ही नहीं। मैंने तो कभी राजकुमार को देखा तक नहीं। राजा आश्चर्यचकित हो उठा। वह आश्चर्य भरे स्वर में बोल उठा, क्या तुम सच कह रहे हो? क्या तुमने सचमुच राजकुमार की हत्या नहीं की? फिर तुम्हें राजकुमार का हार कहाँ मिला? ब्राह्मण ने राजा के प्रश्न के उत्तर में घर से निकलने से लेकर गिरफ्तार होने तक की अपनी पूरी कहानी राजा को सुना दी। राजा ब्राह्मण की कहानी सुनकर सुनार पर क्रोध हो उठा। उसने सिपाहियों को बुलाकर आदेश दिया, शीघ्र ही सुनार को गिरफ्तार करके उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। सिपाहियों ने राजा की आज्ञा का पालन किया। सुनार को गिरफ्तार करके उसे सजा भोगने के लिए जेल में डाल दिया गया। राजा ने ब्राह्मण से क्षमा याचना की और 1000 सोने की मोहरों के साथ उसे एक मकान भी पुरस्कार में प्रदान किया। ब्राह्मण अपने बाल बच्चों को बुलाकर बड़े सुख से राजा के ही नगर में रहने लगा। अपनी सज्जनता के कारण कुछ ही दिनों में चारों ओर उसका नाम फैल गया। वह राजा का सबसे अधिक प्रिय और विश्वासपात्र मित्र समझा जाने लगा। That's it for today, guys. Thank you so much for listening in. I hope you liked the episode, and if you liked the story or the storyteller, please share some good words. Also, I would love to hear your feedback and your suggestions at my Instagram handle that goes by the same name, DoraKuntuzasLife. And I hope you tune in again for hearing the next episode. Till then, XOXO!